हादसे को देशभक्त बताने वाले बयान पर साध्वी प्रज्ञा ने मांगी माफी। कहा, गांधी जी ने जो देश के लिए किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। मेरी भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी, ना किसी के मन को कष्ट पहुंचाने की थी। अगर किसी के मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को बताया था देशभक्त। कहा था, आतंकवादी बोलने वाले अपनी गिरेबा में झांके। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने साध्वी के बयान की निंदा की। कहा, शुक्र है उन्होंने गोडसे को देवता नहीं बताया। पश्चिम बंगाल में प्रचार थमने के बाद भी नहीं थमी हिंसा। दमदम में बीजेपी प्रत्याशी समीक भट्टाचार्य की गाड़ी पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप, गाड़ी के तोड़े गए शीशे। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, टीएमसी समर्थकों को खदेड़ा। हमले के वक्त मुकुल रॉय के साथ मीटिंग कर रहे थे समीक भट्टाचार्य, बिल्डिंग के बाहर जमा हुए टीएमसी समर्थक। दमदम में प्रचार करने पहुंचे थे पीएम मोदी, तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। प्रचार के आखिरी दिन बंगाल में जोरदार जुबानी जंग, पीएम मोदी बोले, इस बार बन जाएगा दीदी का बोरिया बिस्तर। पीएम के वार पर ममता बनर्जी का जोरदार पलटवार, का जरूरत पड़ी तो मोदी को भेज देंगे जेल। ममता के जेल वाले बयान पर मोदी ने दिया जवाब, कहा, पश्चिम बंगाल नहीं है आपकी या आपके भतीजे की जागीर। ममता बनर्जी ने आरएसएस को भी घेरा, कहा, संघ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की सभा में चलवाई गोली। विद्यासागर की मूर्ति को लेकर भी सरपट सुलगी सियासत, पीएम मोदी बोले, टीएमसी के गुंडों ने तोड़ी प्रतिमा, हम पंच धातु की बनाएंगे। ममता बनर्जी ने ठुकराया पीएम का मूर्ति बनाने का ऑफर, कहा, बंगाल के पास है पर्याप्त धन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बंगाल हिंसा पर दे सकते हैं जानकारी। मूर्ति तोड़ने के मामले में बीजेपी उपाध्यक्ष प्रकाश मजुमदार का गंभीर आरोप, वर्धमान में कहा, ममता ने सीपी को धमकाकर बदलवाई रिपोर्ट। बंगाल में ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में कोलकाता पुलिस ने किया एसआईटी का गठन, डिप्टी कमिश्नर को सौंपी गई जिम्मेदारी। झारखंड के साहिबगंज में प्रचार को पहुंचे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का ममता पर हमला, कहा, इस बार दीदी का बंगाल से उखड़ना तय। 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरी दौर के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। प्रचार के आखिरी दिन सभी दल झोंकेंगे ताकत, बीजेपी और कांग्रेस के नेता रोड शो के साथ करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रचार के लिए पहुंचेंगे पीएम मोदी, रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे प्रचार, सोलन में जनसभा को करेंगे संबोधित। आखिरी दिन यूपी में प्रचार करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, मिर्जापुर और कुशीनगर में करेंगे रोड शो। चंदौली और मिर्जापुर में महागठबंधन दिखाएगा दम, अखिलेश मायावती और अजीत सिंह साझा रैली को करेंगे संबोधित। सलेमपुर और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार, रैलियों को करेंगे संबोधित। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश यादव ने रहुआ भी, सलेमपुर में रैली को कर मांगेंगे वोट। चंदौली में पीएम मोदी ने आज तक से की खास बातचीत, कहा, इस बार मोदी नहीं जनता लड़ रही चुनाव। 2019 का चुनाव न मोदी लड़ता है, न बीजेपी लड़ती है, न एनडीए लड़ता है, 2019 का चुनाव हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए मांगे वोट। राहुल के रोड शो में दिखी महागठबंधन की एकजुटता, तेजस्वी यादव भी रोड शो में हुए शामिल। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम को कहा प्रचार मंत्री, प्रचार पर 12,000 करोड़ खर्च करने का लगाया आरोप। देवरिया में प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह ने यूपीए सरकार पर किया वार, कहा, 2014 में पाकिस्तान से चलती थी सरकार, जवानों के काटे जाते थे सर, उफ तक नहीं करते थे मौनी बाबा मनमोहन सिंह। अमित शाह ने गुरुवार को गोरखपुर में किया रोड शो, रवि किशन के लिए मांगे वोट। पटना में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के प्रचार के लिए पहुंचे सनी देओल, रोड शो में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पंजाब के मानसा और बठिंडा में हेमा मालिनी ने हरसिमरत कौर के समर्थन में की 3 रैलियां, अपने डायलॉग सुनाकर मांगे वोट। गुरदासपुर में बेटे सनी देओल के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे पिता धर्मेंद्र, रैली को किया संबोधित। गुरदासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ के प्रचार में पहुंचे स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू, पीएम मोदी को बताया एक नंबर का झूठा।
पंजाब के संगरूर में अकाली बीजेपी उम्मीदवार परमिंदर सिंह ढींडसा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने की रैली, बीच में ही खाली कुर्सियां छोड़कर भागे लोग। पंजाब के मोगा में गुरुवार केजरीवाल ने कई इलाकों में किया रोड शो, पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। पंजाब के होशियारपुर में अकाली प्रत्याशी प्रेम सिंह चंदू माजरा के प्रचार के लिए पहुंचे, राजनाथ सिंह लोगों से वोट देने की अपील की। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने पहुंची साध्वी प्रज्ञा, मोदी का मुखौटा लगाकर नाचते झूमते दिखे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा 15 साल से भूखी कांग्रेस सरकार जनता पर टूट पड़ी है। बंगाल में हिंसा को लेकर भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, अपने खून से पीएम मोदी का चित्र बनाकर मोदी अगेन लिखा। वाराणसी में आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ने रहुआ का अनोखा प्रचार, रिक्शे पर किया रोड शो। योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से मांगी गई 5 करोड़ रुपए की रंगदारी, अज्ञात शख्स ने फोन पर दी धमकी। दिल्ली में चांदनी चौक के पोलिंग स्टेशन नंबर 32 पर दोबारा होंगे चुनाव, 19 मई को डाले जाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश के नाचन में प्रचार के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा उनकी बातें जनता को समझ नहीं आती। रायबरेली में कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह पर हमले की घटना को लेकर राज्यपाल से मिला बीजेपी डेलीगेशन, सौंपा ज्ञापन। मुंबई में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर, मुंबई कांग्रेस के कई बड़े नेता रहे मौजूद। बिहार के मनेर में बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे निरहुआ, हजारों समर्थकों के साथ किया रोड शो। झारखंड के जामताड़ा में बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोरेन के प्रचार में पहुंचे बाबुल सुप्रियो, गाना गाकर मांगे वोट। तमिलनाडु के अरावाकुरिची में कमल हासन पर रैली के दौरान अंडे और पत्थर फेंकने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। घटना के बाद कमल हासन के समर्थकों ने किया हंगामा, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी है। यूपी के रामपुर में प्रशासनिक अधिकारियों ने आजम खान को बताया अपनी जान को खतरा, कलेक्टर को खत लिखकर मांगी सुरक्षा। बिहार के सासाराम में कांग्रेस प्रत्याशी मीरा कुमार ने वकीलों के बीच मांगा वोट, सिविल कोर्ट में किया प्रचार। पप्पू यादव ने कैमूर में निर्दलीय प्रत्याशी रामचंद्र यादव के लिए किया प्रचार, एनडीए और महागठबंधन पर साधा निशाना। यूपी के गाजीपुर में सीएम योगी ने मनोज सिन्हा के लिए किया प्रचार, रैली को किया संबोधित। आगरा में उत्तरी विधानसभा सीट पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का रोड शो, सीट पर होना है उपचुनाव। केदारनाथ धाम तक आज से शुरू होगा हवाई सफर, डीजीसीए की मंजूरी के बाद हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी सामने आ रहे मामलों पर आज सर्वोच्च अदालत में होगी सुनवाई। शोपिया एनकाउंटर में सेना के 2 जवान शहीद, गुरुवार को सुरक्षा बलों ने ढेर किए 6 आतंकी। पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए कानपुर के रोहित यादव के घर, शोक का माहौल, मातम में डूबा पूरा गांव। घाटी में आज अलगाववादी संगठन जेआरएल ने किया बंद का आह्वान, एहतियात के तौर पर श्रीनगर में स्कूल कॉलेज बैंक। मुंबई में मर्सिडीज कार में अचानक लगी आग, जान का नुकसान नहीं। मेरठ में कई दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया के पास खाली मैदान में लगी भीषण आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 24 पर कार में अचानक लगी आग, कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई जान। पंजाब के तरन तारण में मनी ट्रांसफर करने वाली कंपनी के दफ्तर में लूट, 3,56,000 की रकम पर बदमाशों ने किया हाथ साफ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर आया पहाड़ का मलबा, भरभरा कर गिरी चट्टान। कैमरे में कैद हुआ लैंडस्लाइड का मंजर, कई घंटों तक हाईवे पर बाधित हुआ ट्रैफिक। आजमगढ़ में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, एक पक्ष के घर पर की गई अंधाधुंध फायरिंग। पंजाब के बठिंडा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, आंगनबाड़ी कर्मी ने महिला कांस्टेबल को मारा थप्पड़। राजस्थान के चुरू में किराया को लेकर ऑटो चालक के साथ मारपीट, दबंगों ने पार की बेरहमी की सारी हरकतें। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में पत्नी के चरित्र पर शक में युवक ने की 3 साल के बच्चे की हत्या, बाद में खुद भी जान देने की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के वेलकम इलाके में जैकेट व्यापारी की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके में लूट के इरादे से आए 6 बदमाशों ने किया अंधाधुंध फायरिंग, एक बदमाश भीड़ के हत्थे चढ़ा। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में चेन लूटने आया बदमाशों का महिला ने डटकर किया सामना, लेकिन नहीं बचा सके चेन। ग्रेटर नोएडा में चलती बस में बदमाशों ने कंडक्टर से लूटा पैसों से भरा बैग, विरोध करने पर मालिक गोली। बिहार में नहीं थम रहे अपराध, सीतामढ़ी में प्रिंटिंग प्रेस संचालक की गोली मारकर हत्या।
आजमगढ़ में लव मैरिज के लिए परिवार की रजामंदी न मिलने पर प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, परिवार के सामने जहर खाकर दी जान। ठाणे पुलिस ने जानवरों की खाल तस्करी करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में वोटिंग से पहले जीआरपी ने 71 लाख की नकदी के साथ युवक को किया गिरफ्तार। एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बस, एक दर्जन छात्र हुए घायल। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।